सो परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चीज ये क्यों बताई आपको, क्योंकि गवाहियां टेस्टामनी कैसे लोगों के जीवन में बनती हैं, ये चीज मैंने इसीलिए बताई ताकि लोगों को समझ आ जाए। हाँ, क्या आ जाए? क्योंकि समझ नहीं है ना, इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में काम होते नहीं। हाँ, जैसे दुष्ट आत्मा है अगर किसी के जीवन में, तो दुष्ट आत्मा क्या है? कुछ भी नहीं। दुष्ट आत्मा क्या है? शैतान क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ वो पर नहीं जानते लोगों के लिए, तो क्या है? बहुत ऐसे वो पहाड़ जैसी, हवा जैसी चीज है। हाँ, बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं। तकलीफ क्या? हालात कुछ भी नहीं। कोई भी चीज उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। पर उसकी सच्चाई को समझना सबसे बड़ी बात है। क्या है? उसकी सच्चाई को समझना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। समझ आ रही है? सो इसलिए मैं चीज क्यों बताई, क्योंकि अगर वो भाई कोरोना से पीड़ित है, उसे ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो अगर वो पूरी तरह से आज से कुछ महीने पहले समझ आते, जहां उन्होंने जो बातें टीम ने बताई, क्योंकि उन्होंने उस चीज पर मन नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो मैं टीम को अपनी को टीच करता हूं, सिखाता हूं कि कैसे लोगों को सिखाना है, सबसे पहले हाँ कैसे उन्हें समझाना है, जरूर उन्होंने ऐसे सिखाया, पर उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, मन नहीं लगाया। हाँ, अपनी बुद्धि से अपने तरीके से चले। हाँ, क्योंकि हर बंदा अपने फायदे के लिए ही सिर्फ करता है, जैसे प्रेरित पॉल कहता है, सब परमेश्वर अपने स्वार्थ के लिए, तुझे चाहने वाला कोई नहीं है, तुझे समझने वाला कोई नहीं है। हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए बैठा है, पर तुझे समझने के लिए, तुझे पाने के लिए कोई नहीं है। हाँ, अगर उसे पहले समझा होता, जाना होता, और उस पर विश्वास किया होता पूर्ण मन से, हाँ, अगर ये कोरोना आ भी गया, हाँ, क्योंकि उसके वचन में लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, पर उससे परमेश्वर उसे क्या कर लेगा? शो डालेगा। ध्यान से, हाँ, धर्मी पर विपत्तियां आएंगी, पर उस सबसे परमेश्वर उन्हें उसे शो डालेगा। उसने कहा धर्मी 7 बार गिरेगा, मैं 7ों बार भी उसे उठाऊंगा। हालेलुया, आमेन। उसने कहा धर्मी 7 बार गिरेगा, तो 7ों बार मैं उसे उठाऊंगा। समझ रहे हो? पर मैं धर्मी की बात कर रहा हूं, पापी की। हा? क्योंकि धर्मी मतलब जो पूरी तरह से किसमें आ गए, जिन्होंने पूरी तरह विश्वास किस पर कर लिया, किसे अपना उद्धार मान लिया, किसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन किसने बनाई? ऑक्सीजन किसने बनाई? जो पूरी तरह मसीह में आगे ना, मेरे पास ऐसी टेस्टामनी है, ऐसी गवाहियां है, अब सुनकर हैरान हो जाओ। क्या हो जाओगे? हैरान हो जाओगे। मैं आपको एक टेस्टामनी बताता हूं आपको, जो पूरी तरह मसीह में आ जाते हैं। तू एक लड़का था, और वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, मैंने ये खुद टेस्टामनी सुनी है, ये पंजाब की नहीं है, पंजाब के बाहर की है। मैं आज से कुछ साल पहले जब प्रभु में आया, तो मेरा मन था, मैं बहुत जगह इधर उधर जाता था बढ़ने के लिए, हाँ, सीखने के लिए। तो वहां पे ये मैंने एक टेस्टामनी सुनी थी उस भाई की। तो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, जॉब करता था, वो कुछ ऐसे डिब्बे थे, और उसको उठाकर वो जा रहा था, और उसने डिब्बे इतने ज्यादा उठा लिए कि उसके पूरे माथे तक है, सिर तक है, मतलब उसको नजर भी नहीं आ रहा। और अचानक ही किसी ने उसी फैक्ट्री में, जैसे ट्रक लोड करते हैं सामान के लिए वो जाते हैं, तो वो ऐसे जा रहा, किसी ने वो उसे देखा, उसे नजर नहीं आया, और उसने उस ट्रक को बैक किया, और वो पूरा, उसने जब उसको बैक किया तो वो पीछे था, और उसने ज्यादा बैक कर दिया, और वो पीछे दीवार थी, और उसके साथ सट गया, और उसके पूरा दब गया, क्योंकि पूरी तरह दब गया। और उसका उसने अपनी टेस्टामनी बताई कि उसने इतनी जोर से उस ट्रक को बैक किया, मैं दीवार के साथ ऐसे पूरा मैं दब गया, और मेरी ये जो पूरी बॉडी ऐसे जैसे दब गई, कैसे मतलब जैसे प्रेस हो जाती है, पूरी ऐसे दब गई। और कहते हैं जैसे उसने जब ट्रक आगे किया, तो वो पूरा ऐसे नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, और उसके अंदर सिर्फ सांस थी,
मतलब जान थी, जिस जान से वो सोच सकता था, क्या कर सकता था। जैसे मान लो जैसे कोई मंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जान रहती है ना, तो वो उसके दिमाग में सोचता है ना, दिमाग से, किससे सोचता है, दिमाग में सोचता है, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो हम किससे सोचते हैं, हाँ, माइंड से सोचते हैं ना अपने। तो उसने अपनी गवाही बताई कि जब मैं नीचे गिर गया तो पूरी तरह मेरा शरीर ऐसे प्रेस हो गया, तो मेरे अंदर सांस थी, जितनी जान थी उसी चीज को लेकर मैंने किसको याद किया, किसको याद किया, परमेश्वर को याद किया। और वो कहता है जैसे जो मेरे अंदर जान थी उस जान से मैंने दिमाग अपना मन किसकी ओर लगाया, अपना ध्यान किसकी ओर लगाया। और वो कहता है जब मैं ऐसे परमेश्वर के पास गया, जैसे दाऊद कहता है ना, कहता ऐसे हुआ जैसे जैसे बॉटल होती ना प्लास्टिक की, तो उसे जब दबा दो तो वो पूरे ऐसे हो जाती, जब हवा उसमें भरो ऐसे करके तो वो उसके फुलने की आवाज आती। कहता जब मैं ऐसे परमेश्वर के पास गया तो ऐसे मेरा दबकिया शरीर था, जब ऐसे मैंने परमेश्वर को बोला तो ऐसी आवाज आ रही थी जैसे मेरा शरीर जो दब गया फूल रहा, क्या रहा, जैसे मेरा शरीर जो दब गया था फूल रहा, ऐसे जो कोई हवा भर रहा मेरे शरीर में। और वो कौन था, वो कौन था, परमेश्वर था। और वो कहता मैं उसी समय थोड़े समय में ही अच्छा हो गया और मैं खड़ा हो गया, कोई उसे उठाने नहीं आया, अपने आप वो खड़ा हो गया। मैं हैरान हो गया, क्या हो गया, मैं हैरान हो गया कि सच में परमेश्वर महान है। हाँ? पर लोगों का माइंड दिमाग इन चीजों में नहीं, लोगों का दिमाग माइंड इन चीजों पर नहीं है, मतलब पूरी तरह। मैंने कहा ना 75 लोग चर्च में आ गए मगर मसीह में नहीं आए, क्या है अभी, चर्च में आ गए मगर मसीह में नहीं आए। मसीह में आना ये है जो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि उसका पूर्ण मन पूर्ण भरोसा किस पर होता है। फिर क्या कोरोना, क्या वरोना, क्या है, कुछ भी नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हालात कुछ भी, बस ये है चीज, उसे समझना और पूर्ण मन से किसके पीछे हो लेना, किसके पीछे हो लेना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता वो अपना क्रूस उठाए तब मेरे पीछे चले, जो मेरे पीछे आना चाहता अपना क्रूस उठाए तब मेरे पीछे चले। क्रूस, क्रूस उठाने का मतलब वो अपने आप का इनकार करता है कि मैं अपने आप का नहीं, मैं किसका हूं, ये है क्रूस उठाने का मतलब, समझ रहे हो। इसलिए उसने कहा जो हाल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। अभी जैसे बहुत से लोग आ तो गए, मैंने कहा ना, पर अभी भी सोच रहे हैं। कितने लोग ऐसे ही आते हैं 75 लोग में जो सोचते हैं हाँ जी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना हमारा काम, अच्छा हो जाएगा ना, बन जाएगी ना, फिर बताऊं बन जाएगी ना, ऐसे सोचते हैं। जो पहले ही अपना संतुलन अपना बैलेंस ऐसे बना के रखे हैं 50-50 वाला, पता नहीं होगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा ना, बताऊं बन जाएगा ना ये काम। पर जो पूर्ण मसीह में आता वो ऐसे नहीं कहता बन जाएगा हो जाएगा जी, कभी नहीं वो ऐसे कहता, विश्वास करता है, क्या करता है, विश्वास करता है कि कौन मेरे लिए करेगा। वो ऐसे नहीं मुंह से कभी भी बोलता हो जाएगा ना, ऐसे नहीं कहता, उसे पता है कि वो कौन है, उसे पता है कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। वो खुदा है जो मुर्दों को भी क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है, जिंदा। हाँ? और ये बाइबल में नहीं, सिर्फ ये बाइबल में नहीं लिखा, सिर्फ कि बाइबल में यीशु मसीह ने मुर्दे किए, और ये भी नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह ने किए, हमारे जैसे बंदों ने नहीं किए, उसके बाद जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे मेरे जैसे उसके चेले लोग जिन्होंने पूरी तरह, जो 75 वाले नहीं जो 100% में आए थे, उन्होंने यीशु की बातों को अपने जीवन में लिया और वैसे विश्वास किया, और मुर्दे भी क्या हुए, जिंदा हुए, क्या हुए, जिंदा हुए। और ऐसे नहीं है कि आज इस पृथ्वी में मुर्दा नहीं जिंदा, हमारे घर खुद
मेरे भाई का बेटा था छोटा, पूरी तरह डेड अवस्था में हो गया था। मतलब कह लो कि 90% में 1% सांस हो सकती है, मैं पूरी तरह नहीं कहता, 98% 90% कह लो कि वो डेड था, 1-2% उसकी सांस हो सकती, थोड़ी सी जान है। पर ऐसी हालत में डॉक्टर भी क्या कह सकते हैं। इसी हालत में हम परमेश्वर के पास गए थे, ये कुछ साल पहले की बात है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उसे जाना था। तो जैसे हम परमेश्वर के पास गए, वो पूरी तरह उसका शरीर अकड़ चुका था, उसके मुंह से झाग आ चुकी, उसका रंग नीला पड़ चुका था। ऐसी व्यवस्था में आप हो हमारी मेरी जगह से, तो आप क्या करोगे? बताओ क्यों जी, ऑनलाइन जो मीटिंग को देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में अगर कोई विश्वासी हो तो क्या करेगा? हो तो थोड़ेगा, रोएगा, हाय मारे गए, लुटे गए हैं, हाय बचा लो, ले जाओ कोई हॉस्पिटल से। हाँ, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, इसीलिए बाइबल कहती है अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। हाँ, हमें पता था जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है। उसने कहा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या है? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी व्यवस्था में, इसी हालत में हमने घुटने टेके और परमेश्वर के पास गए और उसे प्रार्थना की कि नहीं परमेश्वर, जो तेरे वचन में लिखा है। आज इसीलिए वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, आज का सर्मन है, आज अपने को बताने। पर खुदा ने, मैंने गवाहियों से पहले ये चीज आपको बताना कि कैसे गवाहियां बनती हैं, कैसे हम परमेश्वर के पास गए और 5 मिनट के अंदर जो बच्चा डेड था उसकी हालत कैसे हो चुकी थी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज तो वो बड़ा हुआ है, छोटा था तब, बहुत छोटा था, वो अपनी मम्मी को हला रहा और बोला मुझे भूख लगी है, दूध दो। देखो, हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो। देखो, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही। देखो अभी समझ आ रही ना, 75 लोग चर्च में आए गए हैं, प्रभु में नहीं, मसीह में नहीं आए। चर्च में आ गए हैं मगर मसीह में नहीं आए, समझे हो? क्योंकि मसीह में आने के लिए मसीह की हर बात को, उसकी हर बात को, हर आज्ञा को मानना पड़ता है। ये बात है, समझ आ गई? ओके, तो परमेश्वर आपको आशीष दें।